नमस्कार, मैं डॉक्टर ललित कुमार। मैं सबसे पहले newsshorts.com का विशेष रूप से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच के जरिए अपनी बात कहने का मौका दिया। और उन्होंने सुनो सरकार इनिशिएटिव्स के जरिए जो कदम उठाया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, क्योंकि इस मुहिम से पूरा देश जुड़ रहा है और ख़ास करके यूथ जो है, यानी कि हमारा जो युवा है, वो अपनी बातों को इस मंच के जरिए रखने की कोशिश कर रहा है कि खास करके कोरोना काल में और उनको जिस तरीके से बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, वो पढ़ा लिखा होने के बावजूद, अच्छे अच्छे शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के बावजूद अभी घर पर बैठा हुआ है, उनके लिए कहीं कोई अभी इस तरीके से रोज़गार के संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, तो सरकार को इस ओर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। सरकार अन्य कामों की बजाय सरकार जो है वो खास करके युवाओं के लिए रोज़गार के संसाधन उपलब्ध कराए, ताकि हमारा देश जो है वो अच्छी तरीके से तरक्की कर सके। तभी हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है, जब यहाँ पर हमारे पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं को, नौजवानों को अगर सही टाइम पर रोज़गार मिल जाएगा तभी हमारा देश विश्व गुरु बन पाएगा। तो इस मुहिम के जरिए मैं फिर से विशेष रूप से newsshorts.com का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से ये अपनी बात रखने का मौका दिया।